Good afternoon to all. Most respected Honorable Chief Minister Himachal Pradesh, Shri Sukhvinder Singh Sukhu ji, Shri Madan Pilutla ji, the Dean of ISB, Shri Gokul Butel ji, Principal Advisor in the Cabinet rank, looking after IT and innovations, Shri RS Bali ji, Chairman Himachal Tourism in Cabinet rank, Professor Ashwini, Dr. Arushi, all the distinguished faculty of ISB, all the senior officers, Director Shri Vivek Bhatia, DC Solan, all the senior people sitting here, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया. We are very fortunate that we are sitting in an institution which is really considered as among the best, not only in India, not only in Asia, but in the world. I also studied in Duke University and MIT, and I know what great institutions look like. So, इस उद्देश्य के साथ मैंने Honorable Chief Minister को request किया कि सर हम बात करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में भी विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित करें, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत चीज़ों पर हम अग्रसर हैं, जिसके बारे में सीएम साहब खुद आपसे रूबरू होके बताएंगे. पर मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि सर हम बिल्कुल पास में चंडीगढ़ के साथ में हमारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट इन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. वन आउट ऑफ माई 9 डिग्रीज हैज़ बीन इन ISB, एंड लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग माई AM PPP कोर्स. सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सचमुच में एक विश्व स्तरीय संस्थान है. यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो केवल किताबी चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी दोनों प्रोफेशनल्स हैं. दोनों या तो सीनियर ऑफिसर्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी हैं. ना केवल यहाँ पे पढ़ाने के ऊपर फोकस होता है, परंतु रिसर्च के ऊपर, इंडस्ट्री टाई अप्स के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर भी यह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं नहीं बोलूँगा. माननीय सीएम साहब हैं हमारे दो डिस्टिंग्विश्ड यहाँ पर, और बहुत ना केवल डिस्टिंग्विश्ड परंतु बिल्कुल यंग हमारे दोनों प्रिंसिपल एडवाइज़र साहब और चेयरमैन HPTDC, जो कि खुद टेक्नोलॉजी के लिए माननीय सीएम साहब की टीम के विशेष अंग हैं. एंड हिमाचल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट्स इन द कंट्री. इट हैज़ बीन अक्लेम्ड एज अ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय टॉप इकोनॉमिस्ट्स इंक्लूडिंग अमर्त्य सेन एंड इवन बाय वर्ल्ड बैंक. किसी भी इंडेक्स की बात करें, सोशल इंक्लूजन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रीन इकोनॉमी हो, उसमें हिमाचल का नाम हमेशा अग्रणी राज्यों में लिया जाता है. और इस क्षेत्र में कैसे हिमाचल नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्रस्ताव हिमाचल के विकास के लिए रखे हैं वो सचमुच में दूरगामी हैं. मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो डेटा और टेक्नोलॉजी का पब्लिक पॉलिसी में कैसे इस्तेमाल हो सकता है उसके ऊपर है. मैंने इससे पहले 5 साल होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया और डायरेक्टर सेंसस था, तो डेटा के ऊपर सेंसस से बड़ी कोई संस्थान नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का डेटा, और वो भी तकरीबन 75 इंडिकेटर्स के ऊपर सेंसस के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है. हमने सर चंडीगढ़ में ही भारत का पहला, क्योंकि 150 साल सेंसस को कम्प्लीट हो रहे हैं इस वर्ष, तो भारत का पहला सेंसस म्यूज़ियम और इन्फॉर्मेशन गैलरी जो है वो स्थापित किया था हमारे जनगणना कार्यालय में, जो कि हिमाचल भवन के बिल्कुल साथ ही स्थित है. और मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में, कोई भी नीति निर्धारण हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें जब तक हम टेक्नोलॉजी और डेटा दोनों का समग्र रूप से इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम शायद गवर्नेंस को और इम्प्रूव नहीं कर सकते. हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हमारा कार्य क्षेत्र हो उसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए. उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं ये समझता हूँ कि
कोई भी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो, कोई भी चेंज मैनेजमेंट हो, उसके लिए जब तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल ऐसी हो जो कि लॉन्ग टर्म का भी सोचे, किस तरह से स्टेट या कंट्री को हम 10 साल 20 साल की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ये भी एक बहुत ही एक विशेष इनिशिएटिव है। केवल 10 दिन पहले ही इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की टीम ने MOU साइन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके वरिष्ठ कैबिनेट कॉलीग्स की मौजूदगी में, और इतनी जल्दी जो है वो ये हमारा हिमाचल डेटा पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा भी ISB बहुत और इनिशिएटिव्स में हिमाचल गवर्नमेंट के साथ कलैबोरेट करेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो है वो विज़न और उनका जो है वो आइडिया सुने और किस तरह से ISB इसमें कलैबोरेट कर सकता है। हैविंग बीन ए पार्ट ऑफ ISB बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 years, आई कैन वाउच दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज़ प्रोवाइडिंग कमेंडेबल सर्विसेज नॉट ओनली इन अकेडमिक्स बट ऑल्सो इन द एरिया ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो आई होप दैट दिस कलेबरेशन बिटवीन द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल कंटिन्यू इन द टाइम्स टू कम ऑल्सो, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट सिंस द हेड ऑफ बोथ द सिस्टम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हियर, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड the head of the Indian School of Business, Shri Madan Pilutla, both are sitting on the same dais. I am very sure that the time to come will unleash new opportunities and new initiatives which will improve the lives of more than 7 million people of the state of Himachal Pradesh, which is generally called Ahim and Dev Bhumi. सो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं विशेष रूप से ISB के सभी टीम लोगों का, डीन प्रोफेसर अश्विनी, डॉक्टर आरुषि, उनके सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूं ये कार्यक्रम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हम यहां पर करने जा रहे हैं वो आप सब के लिए लाभकारी होगा और ISB को तो आगे लेके ही जाएगा परंतु हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए भी समर्पित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।